छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष के द्वारा हस्तदेव कटाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। पिछले विधानसभा सत्र में हस्तदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में न खोले जाए इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था। वहीं इसके अनुरूप भारत सरकार को खत भी लिखा गया था। उसके बाद वहां पर कोई कटाई नहीं हुई थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद वहां पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं, इस वजह से हमने स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और हमें निलंबित कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यहां पर आने से विशेष प्रभाव पड़ेगा। आज विधानसभा में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्षी द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो। और इसी मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया था और हमारी बात नहीं सुनी गई, हम सब बेल में गए और सारे विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए।